आज जानेंगे दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला के बारे में। क्या किया हत्यारे लुटेरे तैमूर लंग ने जब उसने जामी मस्जिद को देखा, और जानेंगे आखिर क्यों और कैसे लाया गया सबसे महत्वपूर्ण इस अशोक स्तंभ को। क्या थी फिरोज शाह तुगलक की वो इच्छा जो कभी पूरी ना हो सकी। तो नमस्ते, राम राम, मैं हूं जयान, बने रहिए मेरे साथ। फिरोज शाह कोटला के जिन्नों के बारे में जानने के लिए सामने आए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए। फिरोज शाह कोटला का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर आज मैं उस स्टेडियम की बात नहीं कर रहा जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ कुंबले ने 10 विकेट चटकाए थे। यह फिरोज शाह कोटला उससे अलग एक किला है। यहाँ का टिकट मात्र 25 रुपये है और सूर्यास्त तक आप यहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं। दिल्ली के 7 शहरों में से 5वें शहर फिरोजाबाद का निर्माण सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में करवाया था। फिरोज शाह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। इसका जन्म 1309 में हुआ था और मृत्यु 1388 में। इसने अपने शासनकाल में लगभग 1200 बागों का निर्माण करवाया था और 300 से ज्यादा नए शहरों को बसाया था। इसने 5 नहरों का निर्माण करवाया था और कर व्यवस्था में भी इसने बदलाव किया था। वह एक कट्टर और असहिष्णु शासक था। इसने नागरकोट के पंजाब में ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया था। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इसने बंगाल पर 2 बार हमला किया पर उसे कभी जीत नहीं पाया। इसके पास 1,80,000 से ज्यादा गुलाम थे। इसका शासन 37 साल चला और मृत्यु के बाद इसे हौज खास परिसर में दफनाया गया। फिरोज शाह कोटला उसके दुर्ग का काम करता था और इसे कुश के फिरोज पुकारा जाता था। इस किले को बनाने के लिए निर्माण सामग्री पुराने शहर सिरी, जापना और लालकोट से लाया गया था। फिरोज शाह समकालीन इतिहासकार शम्स सिराज अफीफ ने इस शहर का वर्णन करते हुए लिखा है कि फिरोजाबाद के उत्तर में फिरोज शाह का महल था। शिकारगाह जो आज पीर गायब के नाम से जानी जाती है वहां तक फैली हुई थी। दक्षिण में यह आज के पुराने किले तक फैला हुआ था। वो लिखता है कि ये एक बड़ा शहर था जिसकी आबादी 1.5 लाख के आसपास थी। किले की दीवारें 15 मीटर ऊंची हैं। दीवारों के अंदर मदरसे, बावड़ी, अस्पताल, जामी मस्जिद, महल और बहुत सारी खूबसूरत इमारतें थी जो कीमती और नक्काशीदार पत्थरों द्वारा बनाई गई थी, जो कि बाद में लूट लिया गया। शम्स सिराज अफीफ ने लिखा है कि यहाँ के प्रांगण के बीचों बीच एक अष्टभुजाकार गुंबदनुमा ढांचा था जिस पर फतवे फिरोजशाही खुदा हुआ था, जिसमें सुल्तान द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी थी। इस समय जो आपको स्क्रीन पर खंडहर नुमा ढांचा दिख रहा है ये जामी मस्जिद है। ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है जहाँ पर आज भी नमाज पढ़ी जाती है। तत्कालीन समय में इसमें सिर्फ राज परिवार के लोग और महिलाएं ही नमाज पढ़ सकती थी। इस वक्त ये बिना छत वाली खुली मस्जिद है। यहाँ पर आज भी जुम्मे के दिन लोग नमाज पढ़ने आते हैं। इस समय ये जितनी ही खंडहर लग रही है उस समय आप सोच भी नहीं सकते ये उतनी खूबसूरत थी। दीवारों और दरवाज़ों पर नक्काशीदार पत्थर लगे हुए थे और उन्हें बेशकीमती रंग बिरंगे पत्थरों से सजाया हुआ था। शम्स सिराज अफीफ के अलावा भी बहुत सारे इतिहासकारों ने इसकी तारीफ़ की है, जिसकी गणना दुनिया के क्रूर हत्यारे लुटेरे के रूप में की जाती है। वो तैमूर लंग भी इस मस्जिद को देखकर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने भारत के शिल्पकारों की मदद से अपनी राजधानी समरकंद में ऐसी ही मस्जिद का निर्माण करवाया। आगे चलकर तैमूर के वंशज बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। जामी मस्जिद के बिल्कुल सामने और एकदम नज़दीक पत्थरों से बनी 3 मंजिला इमारत है जो कि पिरामिड के आकार की है। इसकी छत पर अशोक स्तंभ है। जी हाँ, आपने सही सुना, अशोक स्तंभ है। आप ये सोच रहे होंगे कि एक ऐसा सुल्तान जिसने हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, कई मंदिर तोड़े, वो आखिर ये अशोक स्तंभ अपने इस किले में क्यों लगवाएगा? चलिए मैं आपकी ये शंका भी दूर किए देता हूँ। इसे और इस जैसे एक और अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक द्वारा अंबाला के कोटरा से
1351 से 1366 के बीच दिल्ली लाया गया था। मैं उसी स्तंभ को आपको दिखाने के लिए अब आपको ऊपर की तरफ ले जाने वाला हूँ। फिरोज शाह तुगलक जब मेरठ आया तब उसने इस अशोक स्तंभ को देखा था और उसे देखकर वो इतना प्रभावित हुआ था कि उसे अपने नए किले में लगाने का निश्चय किया। पर उसके सामने एक समस्या थी कि इतने बड़े स्तंभ को यहाँ से ले जाया कैसे जाए। इसके लिए उसने 42 पहियों की एक खास गाड़ी तैयार करवाई और इस गाड़ी को खींचने के लिए इसमें 4 से 6 हज़ार के बीच मजदूरों को लगाया गया। इस स्तंभ को किसी भी प्रकार के नुकसान या टूटने से बचाने के लिए इसके ऊपर मखमल, रुई के थान और नरम घास का उपयोग किया गया। इस तरह इसे सुरक्षित दिल्ली लाया गया। यहाँ लाकर इसे इस पिरामिड नुमा आकार की 3 मंजिला इमारत पर स्थापित किया गया। स्तंभ को लगाने के बाद भी उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई। अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि इस पर लिखा क्या गया है। इस पर लिखे हुए भाषा को पढ़ने के लिए उसने बहुत सारे विद्वानों और बहुभाषियों को भी बुलवाया। उसने इस लिपि का अनुवाद करने वाले को बहुत बड़ा इनाम दिए जाने की घोषणा भी की। उस समय इस लिपि का अनुवाद कोई नहीं कर पाया और फिरोज शाह को इसे पढ़ने की इच्छा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व के लगभग किया था। अशोक स्तंभ पर लिखी गई ब्रह्मी लिपि का अनुवाद सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने 1837 में किया। सभी अशोक स्तंभों में इस स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस स्तंभ पर अशोक के 7 अभिलेख अंकित किए हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ पर आने वाले लोगों को इसका ऐतिहासिक महत्व नहीं पता। वो इसे छूने की कोशिश करते हैं जिस कारण इसके निचले हिस्से को बहुत ही नुकसान पहुँचा है। साथ में दिन ब दिन इस इमारत की नींव भी कमज़ोर होती जा रही है। धूप और बारिश की वजह से स्तंभ को और ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है और हम इस वक्त इस पिरामिड के सबसे ऊंची वाली इमारत पर हैं और जो आपको सामने दिख रहा है यही है अशोक स्तंभ। इसके ऊपर लिखी गई ब्रह्मी लिपि आप बिल्कुल ही साफ साफ देख पाएंगे। यहाँ आने वाले लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इसे छू लेता है तो उसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी। इस वजह से इस अशोक स्तंभ के निचले हिस्से को बहुत नुकसान पहुंचा है। यह अशोक स्तंभ 2200 से 2300 साल पुराना है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसे अभी भी सुरक्षित रखना है तो इसे यहाँ से कहीं और स्थापित करना चाहिए या फिर आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी सुरक्षा के लिए और ध्यान देना चाहिए। यह सिर्फ आपकी और हमारी ही नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ियों की अमानत है। इस समय जो आपको ढांचा दिख रहा है यह एक बावड़ी है। उस समय यह किले के अंदर पानी का मुख्य स्रोत था। यह पारंपरिक बावड़ियों से भिन्न बिना सीढ़ी वाला कुआं था। इसका पानी बाल्टियों द्वारा निकाला जाता था। इसके आसपास 2 मंजिला इमारतों के भी अवशेष मिले हैं जो कि राज परिवार की महिलाओं को नहाने और गर्मियों में ठंड से बचाने के लिए उपयोग होते थे। इस बावड़ी का उपयोग आज भी यहाँ के बगीचों और पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है और फिलहाल इसे मोटर द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह बावड़ी पहले सभी के लिए खुली थी पर कुछ आत्महत्या हो जाने के कारण ये सभी टूरिस्टों के लिए बंद कर दी गई। फिलहाल तो इस फिरोज शाह कोटला के किले के अंदर यह बावड़ी और 2-4 इमारतों के और एक टूटी मस्जिद के अलावा कुछ भी नहीं बचा। और जिन इतिहासकारों ने इनकी विशेषताओं के बारे में तारीफ की थी वो भी अब कहीं नहीं दिखती। दीनेना, शाहजहाबाद, शेरगढ़ जैसे शहरों के निर्माण के लिए यहाँ से निर्माण सामग्री को लूट लिया गया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस किले के निर्माण सामग्री जहाँपना, सीरी और लालकोट जैसे पुराने शहर से आई थी। वक्त की मार के अलावा इंसानों ने भी इसे खंडहर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज यहाँ पर 3-4 इमारतों को छोड़कर किसी भी जगह की पहचान नहीं की जा सकी है। उस समय की भव्यता, खूबसूरती और वो विशेषताएं अब यहाँ पर नहीं दिखती और अब जो यहाँ पर दिखाई देती हैं वो है लोगों की लिखी गई अर्जियाँ और उनका ये विश्वास कि यहाँ के जिन उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे।
अगर आप यहाँ के जिन्नों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दी है या फिर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का इतिहास के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। आई लव यू, बाय। अरे मर्दवा, तुमने अभी तक महासतियों वाला समाधियों का वीडियो नहीं देखा तो पहला लिंक क्लिक कीजिए, और जगदीश मंदिर के लिए दूसरा वाला। बहुत मस्त वीडियो बनाया है, तो हार कसम।